ठीक है गुप्ता जी, जितना मिठाई बोले हो ना पूरा बनाइएगा और मेरा कमीशन का अलग से ध्यान रखिएगा, बता दे रहे पहले, ठीक है ना? एकदम 20% का कमीशन एक्स्ट्रा मेरा बिल में होना चाहिए। चलते हैं गुल्लू भाई से भी बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ गुल्लू भाई, अरे सब बढ़िया ना? हाँ मेरे साहब बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए। अरे अगले साल के भांति इस साल भी तैयार हो जाओ भाई रावण को आकार देने के लिए। अरे काहे का रावण मेरे साहब, और काहे की रावण की रावण दहन मैनेजर साहब, इस बार कुछ नहीं होगा, जाके बोल दीजिए राम को घर में जाएगा, रावण नहीं जलेगा मैनेजर साहब। इस लॉकडाउन में हमारी पूरी कलाकारी खत्म हो गई मैनेजर साहब। अरे तुम्हारे आकार दिए भी ना कहीं रावण ना नाराज हो जाए। हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता मैनेजर साहब, कोनो फर्क नहीं पड़ता। और अगर नहीं मानना तो जाके रावण से कह दीजिए कि सुसाइड कर ले, एक बार राम नहीं मारेगा। ठीक, रावण ना अपने ही आत्महत्या करके मर जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या कहते हैं फॉलो हो जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक, चलिए। हेलो, अरे पता है इस बार ना रावण का दहन नहीं होगा बल्कि वो खुद ही आत्महत्या कर लेगा। हाँ सही में, तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा था। सच्ची में यार। अरे तुझे पता है मुझे ना नेट से एक सॉलिड न्यूज मिली है कि हम लोग दशहरा में हर साल जैसे रावण का दहन करते हैं ना, इस साल सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग रावण का दहन नहीं करेंगे। तय क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोग रावण को बोलेंगे कि तुम आत्महत्या कर लो। जो रिसेंटली पोस्ट है ना, कि रावण दहन नहीं मनाया जाएगा, कि जिसमें रावण खुद अपनी आत्महत्या कर लेगा। सच्ची में यार बहुत मजेदार है। क्या महाराज जी, आप रावण है, रावण हाईली क्वालिफाइड आदमी, इधर कितना इतरा रहे ना हर बात पे, जाएगा अब बैठ के आप रोइएगा। अरे कलयुगी विभीषण, अरे तुम्हारा मुख मंडल अगर सही नहीं है तो कम से कम बातें सही कर लिया करो, और यूं बौखलाए क्यों? अरे तुम्हारा कोई एमएस लीक हो गया या कुर्सी जाने का डर है? अरे महाराज जी, गाज हम पे नहीं, गाज तो आप पे गिरने वाली है। सोशल मीडिया पे मैसेज फॉलो तो आप करते हैं, सोशल मीडिया देखिए मैसेज ट्रेंड हो रहा है, इस साल रावण दहन नहीं होगा, इस साल आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, रावण इस साल आत्महत्या करेगा। आत्महत्या? अरे क्या बकवास कर रहे हो भाई, रावण के क्या इतने बुरे दिन आ गए? जो भी इज्जत था गया। और सिया हरण किया था मैंने, कोई रिया हरण नहीं। हेलो हेलो, मुझे तो लगता है किसी ना किसी न्यूज चैनल का ये साजिश है या फिर फेक न्यूज होगा। चलो मान लिया कि मैंने आत्महत्या कर लिया, लेकिन उस लांडे का क्या होगा जो हर साल राम का रूप धारण करके मुझ पे तीर चलाता था और बड़ा चलाता था। प्रभु, आप ये घोर अन्याय कैसे देख सकते हैं? प्रभु आप अपने इस भक्त के साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? प्रभु आप तो जानते ही हैं, एक बरस में इतनी कन्याओं के साथ ब्रेकअप करने पर हमको इतना सुकून नहीं मिलता जितना रावण दहन के दिन रावण की नाभि में तीर मारने से हमको मिलता है। प्रभु आप तो भली बात ही परिचित हैं कि जब से हमने होश संभाला है हम राम ही बने हैं, पहले बालक राम, फिर पालक राम के रूप में अब तीसरी बार, और प्रभु इसी के चक्कर में तो समस्त मोहल्ले की कन्याएं हम पर मरती थी। प्रभु अब अगर रावण ने आत्महत्या कर ली तो हमारा तो पूरा का पूरा स्टारडम ही फीका पड़ जाएगा। प्रभु
वाय प्रभु, वाय दिस कोला वेरी डी प्रभु, वाय कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए, नहीं तो हम, नहीं तो प्रभु हम एक बरस के लिए, नहीं एक महीने के, एक हफ्ते के लिए, एक एक दिन के लिए प्रभु हम भोजन त्याग देंगे, प्रभु हम भोजन त्याग देंगे, प्रभु कुछ कीजिए प्रभु। उत्तम, अति उत्तम। लेकिन उस छोकरे का क्या हाल हो जो हर साल सीता बनकर मुझे कंफ्यूज करता था। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन मनायो आयो रे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पिछले 12 सालों से कमिटी वालों ने पैसों की मजबूरी दिखाकर मुझे माता सीता का रूप धरवाते आ रहे हैं। इन 12 सालों में तो हमने अपना अपना अस्तित्व ही खो दिया था। कभी कभी तो शर्ट का बटन आगे के बजाय पीछे ढूंढने लग जाता था, और तो और दोस्तों से बात करते करते लड़की की आवाज़ निकल जाती थी। और हद तो तब हो गई थी जब कमेटी मैनेजर ने मुझे अपने गोद में बिठाने की कोशिश की। छी! लेकिन कहते ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रावण भैया, ये आत्महत्या नहीं, आत्मनिर्भरता है। अरे मोदी जी का नया नारा सुना है कि नहीं, आत्मनिर्भर भारत। कौन साड़ी पहनना है, लाल की ऑरेंज? अरे मम्मी, इस बार साड़ी पहनना ही नहीं है। तो लहंगा खरीदने वाला इस बार नहीं है? अरे लहंगा भी नहीं पहनना है, अरे मतलब कि माता सीता का रूप इस बार नहीं धरना है मम्मी। और बेटी बेटी बुलाना ये सब बंद करो तो तुम। कहीं छुट्टी तो कहीं कम, मुझे पता है कमेटी मैनेजर का बुरा हाल। यहाँ मेरा दहन होता था और वहाँ ठेके पे बैठे उसी रात चकलत उड़ाता था। इस बार तो हम कर लेंगे आत्महत्या, लेकिन तेरा क्या होगा कालिया? अरे गुप्ता जी क्या बताएं, अरे ये रावण दहन कमेटी का मैनेजर होने के नाते ना, हम हर चीज से अच्छा खासा कमीशन बचा ही लेते थे, चाहे वो मिठाई बनवाना हो या फिर टेंट लगवाना हो या फिर रावण का पुतला ही क्यों ना बनवाना हो। लेकिन इस बार सब के सब धरा रह गया। अरे ये सुशांत का क्या सुसाइड का केस चला, अरे ये ट्रेंड से चल गया भाई। अरे अब रावण जा रहा है सुसाइड करने, बताइए रावण को ये शोभा देता है क्या? अब क्या हो गया भाई, समझ गए, कर लेंगे आत्महत्या। महाराज जी, आत्महत्या तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जरा हमारा सोचिए, आपके दहन के बहाने लोग हमको भी चीफ गेस्ट बना के उधर बुलाते थे। अब तो जग सोना सोना लागे, सब सोना सोना लागे। लेकिन फिकर नाट, आपके लिए सफेद पैकेट भिजवा दिया है, एकदम टाइट चीज है, मस्त होकर के एक शॉट लीजिए। जो भेज रहे हो बस भेज दो, तलब हो रही है। जाइए सोइए, ऐसे भी आपका कौन सुनेगा, पूरा मीडिया तो सुशांत और कंगना में लगा हुआ है। अब रावण के ऐसे भी दिन आ गए, रावण की आत्मा।